हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार, प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 18 अगस्त 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट को। आज हमारा पहला टॉपिक है साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 18 अगस्त वर्ष 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखेंगे साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 18 अगस्त वर्ष 1800 में। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड वेलेंजली को जाता है। और लॉर्ड वेलेंजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कराया। हमारा दूसरा टॉपिक है साथियों, पियरे जॉनसन फ्रांस के प्रसिद्ध खगोलविद थे। फ्रांस के प्रसिद्ध खगोलविद थे। और खास बात यह है कि आज ही की तारीख 18 अगस्त वर्ष 1868 ईस्वी को इन्होंने हीलियम की खोज किया था। याद रखें, हीलियम की खोज किसने किया था, तो पियरे जॉनसन के द्वारा किया गया था। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 18 अगस्त वर्ष 1900 ईस्वी को विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की बहन रहे और यह भारत की प्रसिद्ध राजनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, गुलजार। आज ही की तारीख 18 अगस्त 1934 ईस्वी को गुलजार जी का जन्म हुआ था। खास बात है कि ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक, लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनके द्वारा लिखा गया एक गीत है, जय हो, जो फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में था। उस गीत के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुआ और वर्ष 2009 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, मौसम मानचित्र। आज ही की तारीख 18 अगस्त 1940 को पहली बार टेलीविजन पर मौसम मानचित्र प्रसारित किया गया। हमारा अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। आज ही की तारीख 18 अगस्त वर्ष 1945 में ताइवान में हुए एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु मानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे और इनके द्वारा कहा गया कथन हमेशा लोगों में जोश भरता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। और आजाद हिंद फौज के स्थापना में और उसको आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, खड़गपुर। खड़गपुर पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। और खास बात है कि आज ही की तारीख 18 अगस्त 1951 को खड़गपुर में IIT की स्थापना की गई। IIT का फुल फॉर्म साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और IIT भारत के जो भी प्रसिद्ध IIT है, ये भारत में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे अपनी तकनीकी ज्ञान कौशल के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बोस्टन। बोस्टन साथियों अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 18 अगस्त 1973 को बोस्टन शहर में पहले एफएम रेडियो स्टेशन के स्थापना को मंजूरी दी गई थी। आज ही की तारीख साथियों 18 अगस्त 1949 को हंगरी में संविधान लागू हुआ था। और आज ही की तारीख 18 अगस्त वर्ष 1945 को इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने अपना कामकाज संभाला था। पहला करंट अफेयर्स है साथियों, अल शबाब ये एक आतंकी संगठन है। याद रखेंगे, अल शबाब क्या है, एक आतंकी संगठन है। वो भी किस देश का पूर्ण रूप से सक्रिय है, तो सोमालिया में। याद रखेंगे, सोमालिया का एक खास आतंकी संगठन जिसका नाम है अल शबाब,
इन दिनों सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है साथियों? तो मोगादिशु। और मोगादिशु में एक होटल है जिसका नाम है एलीट होटल। याद रखें, एलीट होटल में आतंकी घटना के कारण, एलीट होटल में एक आतंकी घटना हुआ है और इस घटना को अंजाम अल शबाब नामक एक आतंकी संगठन ने दिया है जो अफ्रीकी देश सोमालिया में सक्रिय है। याद रखेंगे सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है। और सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश भी कहा जाता है। याद रखेंगे समुद्री लुटेरों का देश, याद रखेंगे। इस तरह की घटनाएं समुद्र में काफी होती है इस देश में, तो याद रखेंगे। हाल के दिनों में अल शबाब नामक आतंकी संगठन चर्चा में क्यों है? क्योंकि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एलीट होटल में एक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। इन दिनों या वर्तमान समय में सोमालिया दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है साथियों भारत सरकार। याद रखिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक, कब तक साथियों? ध्यान रखेंगे वर्ष 2030 तक सड़क पर जो मृत्यु होती है उसे शून्य करने के एक लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे सड़क मृत्यु दर, सड़क मृत्यु दर शून्य करने की बात कही जा रही है और एक लक्ष्य लेकर चला जा रहा है 2030 तक। हाल के दिनों में बहुत तरह के बदलाव किए गए हैं, याद रखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट में, और कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि जब भी कोई बाइक सवार हो या कार सवार हो वो क्या है प्रॉपर नियमों का पालन करे, ताकि क्या है सड़क मृत्यु दर को कम किया जा सके। और 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि इसे शून्य कर दिया जाए। आपको बता दें साथियों वर्तमान में देश के जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो कोई और नहीं नितिन गडकरी जी है। याद रखिए नितिन गडकरी ये देश के क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। और याद रखेंगे नितिन गडकरी ही देश के MSME मिनिस्टर भी हैं। और नितिन गडकरी अपने कार्यों को बखूबी पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। और याद रखेंगे नितिन गडकरी ने कई ऐसे सड़क प्रोजेक्ट को पूरा किया है जो तय लक्ष्य से पहले ही पूरा कर देते हैं। तो याद रखेंगे कि वर्ष 2030 तक भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि जो सड़कों पर होने वाली मृत्यु है, जो एक्सीडेंट के माध्यम से है, उसे शून्य किया जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क पर जो मौतें होती है वो किसी और देश में नहीं अपने भारत में ही होती है, जो प्रॉपर बचाव और नियमों का पालन करने से पूरा किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है साथियों कोरोना कविता काल। याद रखिए कोरोना कविता काल एक 13 कविताओं का एक संग्रह है, एक 13 कविताओं का एक संग्रह है। याद रखिएगा इसे मिजोरम के गवर्नर ने लिखा है। इसे किसने लिखा है साथियों? तो मिजोरम के गवर्नर ने, मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर P.S. श्रीधरन है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है मिजोरम के CM जोर मथांगा ने किया है। याद रखेंगे इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मिजोरम राज्य के CM जोर मथांगा के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक को लिखा किसना है? तो मिजोरम के गवर्नर P.S. श्रीधरन के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों सौम्या स्वामीनाथन। याद रखेंगे ये आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए सौम्या स्वामीनाथन, सबसे खास बात तो पहली बात यह है कि ये M.S. स्वामीनाथन की पुत्री है। याद रखिए M.S. स्वामीनाथन की पुत्री है। याद रखेंगे M.S. स्वामीनाथन कौन है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। M.S. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनकी पुत्री कोई और नहीं सौम्या स्वामीनाथन है। दूसरी खास बात क्या है सौम्या स्वामीनाथन की कि ये वर्तमान में WHO में मुख्य वैज्ञानिक है। याद रखेंगे मुख्य वैज्ञानिक है। और खास बात यह है कि भारत की पहली महिला है जो इस पद पर कार्यरत है। याद रखें WHO में अब तक कोई भी महिला मुख्य वैज्ञानिक पद पर कार्य नहीं किया है। सौम्या स्वामीनाथन पहली महिला है जो WHO में मुख्य वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है वर्तमान। तीसरी खास बात है साथियों कि ये WHO में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में है। याद रखें बाल रोग
विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, ये तो नहीं इनकी इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगली बात है कि आज हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, इसका मूल कारण यह है साथियों कि कोविड 19 के दौर में तमिलनाडु राज्य में इन्होंने विशेष योगदान दिया, याद रखेंगे विशेष योगदान दिया, और इनके योगदान के कारण तमिलनाडु राज्य में कोविड-19 के मामलों को कम करने या उसका अच्छे ढंग से पालन कराने में या लोगों को ठीक करने में काफी सफलता मिली, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने इन्हें विशेष पुरस्कार या उनके विशेष योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार देने की घोषणा किया। तो याद रखें किस सरकार के द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा सौम्या स्वामीनाथन को एक विशेष पुरस्कार देने की बात कही गई है। और वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम है, याद रखेंगे पलानी स्वामी इस समय क्या है, तमिलनाडु के सीएम है। याद रखें तमिलनाडु की राजधानी साथियों क्या है, चेन्नई है। साथियों डिजिटल अपनाएं, याद रखें डिजिटल अपनाएं एक अभियान का नाम है, याद रखेंगे डिजिटल अपनाएं एक अभियान का नाम है, जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, और इसे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है, और यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक का यह विशेष प्रयास है कि अपने यहाँ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वर्तमान का जो दौर है साथियों वो डिजिटल बैंकिंग का ही है, जिससे कार्य बहुत कम समय में और आसानी से हो सकता है। तो याद रखेंगे डिजिटल अपनाए एक अभियान का नाम है जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाया गया है। आपको यह भी बता दें साथियों कि वर्तमान में जो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक है उनका नाम है S.S. मल्लिकार्जुन राव। क्या नाम है, S.S. मल्लिकार्जुन राव वर्तमान में प्रबंध निदेशक है पंजाब नेशनल बैंक के। और हाल के ही दिनों में पंजाब नेशनल बैंक में बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का बहुत सारा पैसा नीरव मोदी द्वारा लेकर के भारत छोड़कर के दुनिया के किसी अलग देश में जाकर रह रहा है, जिसे हम लोग विलफुल डिफाल्टर भी कहते हैं, परंतु वो पैसे को नहीं दे रहा, यह एक बहुत बड़ा घटनाक्रम पंजाब नेशनल बैंक में चला। हमारा अगला पॉइंट है साथियों कौशिक खोना, याद रखें कौशिक खोना गो एयरलाइन, याद रखें गो एयरलाइन कौन सी कंपनी है, गो एयरलाइन एक कंपनी का नाम है, जिसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। गो एयरलाइन जो कंपनी है इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर साथियों मुंबई में है, और इसके संस्थापक जो है उनका नाम जहांगीर वाडिया है। तो याद रखेंगे कि कौशिक खोना, याद रखें खोना नहीं खोना, गो एयरलाइन के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, गो एयरलाइन कंपनी की स्थापना 2005 में, और इसकी स्थापना जहांगीर वाडिया के द्वारा किया गया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों चेतन चौहान साथियों ये भारत के क्रिकेटर रहे, भूतपूर्व क्रिकेटर है, हाल ही में कोविड-19 के कारण 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। याद रखेंगे किसके कारण, कोविड-19 के कारण। ये उत्तर प्रदेश सरकार में युवा एवं खेल मंत्री भी थे, याद रखेंगे चेतन चौहान वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट में युवा एवं खेल मंत्री के पद पर थे, युवा एवं खेल मंत्री के पद पर है। और खास बात है कि वर्ष 1983 के विश्व विजेता टीम के सदस्य के रूप में भी चेतन चौहान जाने जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जो है ये इसका स्पेन में आयोजित हुआ, और याद रखेंगे इसे लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया, इसे किसके द्वारा जीता गया, लुइस हैमिल्टन, याद रखेंगे लुइस हैमिल्टन की ये इस वर्ष की चौथी जीत है, जबकि इनके जीवन की 88वीं जीत है। याद रखें लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े या कहें सबसे तेज मोटर रेसिंग के चैंपियन विराट बादशाह इस समय बने हुए हैं। अगला टॉपिक है साथियों ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर साथियों हरभजन सिंह को बनाया गया है।
हरभजन सिंह भारत के महान स्पिनर में एक गिने जाते हैं, जिन्हें हम लोग टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। ई बाइक वो एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन करती है और देश के बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन किराए पे भी देती है। भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2020 तक भारतीय सड़कों पर लगभग 10% ऐसे वाहन तैयार किए जाए या चलाए जाए कि जो इलेक्ट्रिक हो, जिससे देश में पॉल्यूशन की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको कम किया जा सके। तो याद रखेंगे कि ई बाइक गो एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन करती है और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो क्रिकेटर हरभजन सिंह को बनाया गया है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, येलो चैन। येलो चैन यह नागालैंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। नागालैंड सरकार के द्वारा यह एक ई कॉमर्स, याद रखेंगे यह एक ई कॉमर्स योजना है। इसको योजना के अंतर्गत येलो चैन में राज्य के सभी नागरिक जो भी किसी भी तरह का कोई व्यापार करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इस पे इंफॉर्मेशन देंगे और वहां से जो वहां की जनता है उस प्रोडक्ट को खरीद बिक्री कर सकती है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि ताकि लोग घर बैठे उसकी खरीदारी कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और जिससे क्या है बाजार आसानी से काम कर सके। नागालैंड साथियों भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी साथियों कोहिमा है और वहां के सीएम नेफ्यू रियो है। क्या है? सीएम नेफ्यू रियो। तो याद रखेंगे येलो चैन एक ई कॉमर्स योजना है किस राज्य सरकार की? तो नागालैंड सरकार की। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा भारत के बॉलीवुड स्टार रहे, अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून 2020 को निधन हो गया। इनकी मौत अभी तक एक रहस्य है कि इनकी हत्या की गई है या इन्होंने स्वयं आत्महत्या किया है। तो याद रखेंगे तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत, याद रखेंगे मरणोपरांत सम्मान देने की घोषणा की है। मरणोपरांत सम्मान देने की घोषणा की, ऐसी घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा अपने कला और अभिनय के द्वारा भारत के मान मर्यादा, भारत की कला तथा संस्कृति को दुनिया के अलग अलग देशों तक लोकप्रिय बनाया था। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार पत्रकार नितिन सेठी को दिया गया है। पत्रकार नितिन सेठी एक खोजी पत्रकार है, याद रखेंगे एक खोजी पत्रकार है। खोजी पत्रकारिता करना ये काफी रिस्क वाला काम होता है। इनके रिस्क के कार्य के लिए और इनके द्वारा बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। याद रखेंगे पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें पंजाब सरकार के द्वारा जो 12वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चों को स्मार्टफोन, याद रखेंगे स्मार्टफोन देने की योजना है। इसका ऐलान पंजाब सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ही कर दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 12वीं तथा 10वीं के छात्रों को स्मार्टफोन देंगे। याद रखेंगे तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले को पूरा फाइनल किया और अपने राज्य के जो 12वीं के बच्चे हैं उनको एक पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत एंड्रॉइड सेट कहे स्मार्टफोन देने की घोषणा कर दी है। पंजाब भारत के एक विकसित राज्यों में है पर तो पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो नशे की समस्या है, याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, 59वां डीजीओ दिवस। याद रखेंगे 59वां डीजीओ दिवस जो है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे भारत का एक यूपी है जिसका नाम है पुडुचेरी, याद रखेंगे पुडुचेरी जिसे हम लोग पहले पांडिचेरी के नाम से भी जानते थे। याद रखेंगे जो पुडुचेरी है वर्ष 1954 में यह जनमत संग्रह के द्वारा, याद रखेंगे जनमत संग्रह के द्वारा यह भारतीय क्षेत्र में शामिल हुआ है। 1954 से पहले पुडुचेरी जो है वो फ्रांस के अधीन हुआ करता था परंतु याद है जब फ्रांस की संसद के द्वारा पुडुचेरी को भारतीय राज्य नहीं माना गया
परंतु 16 अगस्त 1962 वह दिन था जिसने फ्रांस की सरकार द्वारा, फ्रांस के संसद द्वारा इस बात की मान्यता दे दी गई कि पुडुचेरी भारत का राज्य है। तो याद रखिए पुडुचेरी भारत का एक यूटी है और वर्तमान में यहाँ के सीएम नारायण सामी है और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किरण बेदी है जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही है। तो हमारा अगला पॉइंट है साथियों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बहुत सारे सवाल जवाब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया गया वो जो भाषण था वो 1 घंटा 26 मिनट का था। याद रखेंगे 1 घंटा 26 मिनट का था। इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है हाल के दिनों में कि प्रधानमंत्री ने अपना 15 अगस्त पर जो भाषण दिया था वो 2019 में कितने का था, तो 2020 में जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो 1 घंटा 26 मिनट का था। इसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन भारत और वोकल लोकल टू वोकल इस तरह के स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इस पर चर्चाएं की गई। याद रखेंगे साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जब झंडा उन्होंने फहराया तो वो दूसरे ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने 7 बार भारतीय झंडे को फहराया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 बार भारतीय झंडे को फहराया था और अब उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 7 बार भारतीय झंडे को फहराया। और उसके साथ एक और अनोखा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया कि वो भारत में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनने का भी उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। 2268 दिनों के अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। कई तरह के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड लगातार बनते जा रहे हैं दुनिया भर में, चाहे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की संख्या हो चाहे ट्विटर पे हो। वो वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देखी जा रही है। और इस बार के 15 अगस्त की एक और खासियत रही कि 15 अगस्त को अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर भी भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।